कि मेरी सारी जितनी भी वीडियोज़ हैं इनमें से तीन ड्रेस मैं गिव अवे करूँगी जल्दी से जाके आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो हुए हैं। और ये जो पट्टी आ रही है बहुत खूबसूरत लग रही है। इस तरह कटिंग नहीं करनी, ये रॉन्ग है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सही होंगे। और अला है ये है वो, तो शर्ट है ना, शर्ट पे थोड़ी डिज़ाइनिंग करनी है, इसीलिए मैं ट्राउज़र प्लेन रख रही हूँ और शर्ट पे थोड़ी डिज़ाइनिंग दूंगी। तो अब हम करते हैं शर्ट की कटिंग स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन को दबा दीजिए और सब, और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, जाके आप लोग जल्दी जल्दी से फॉलो करें। चलें, तो ये है मेरे पास दूसरा सफ़ायर का सूट जो कि ऑर्डर किया था मैंने पिस्ते कलर के सूट के साथ का, ठीक है। इसके साथ दिया गया बैग जो है करंडी, फ्रंट का भी करंडी का कपड़ा है और दुपट्टा भी करंडी का है, और ट्राउज़र जो है वो कैम्ब्रिक का दिया गया है। इसके साथ दो ये इन्होंने पीस दिए थे ऑर्गेन्जा के, जो कि ये मैंने एप्लिक करवाए हैं। ये जो एप्लिक हुआ है टोटल 200 रुपये में हुआ है, ठीक है। तो अब करते हैं हम स्टार्ट। तो डिज़ाइन में कुछ ऐसा बनाना चाह रही थी, कुछ ऐसी स्केचिंग करना चाह रही थी कि ये जो पैचेस दिए गए हैं ऑर्गेन्जा के, ये भी मैं लगा लूँ, कहीं यूज़ कर लूँ, और जो है मुझे ख़ुद से भी थोड़ी सी मैं मेहनत कर लूँ, थोड़ी सी डिज़ाइन की एडिशन कर लूँ मैं इस शर्ट में। फुल शर्ट तो नहीं आ रही, मैंने ये नीचे वाला जो है फ्रंट रखा है, ठीक है, और ये बैक है। तो मैं इसकी लेंथ 45 उतार लूँगी। बैक साइड से मैं फ्रंट साइड 3 इंच छोटा रखूँगी, मुझे नीचे डिज़ाइन बनाना है। मैं आपको बताती हूँ, मैं इतनी शर्ट कटिंग कर दूँगी, इतना मैंने फोल्ड कर लिया था 3 इंच का, तो अब 3 इंच कम करके यहाँ से कट करूँगी शर्ट की फ्रंट साइड जी। तो कटिंग हम सबसे पहले शोल्डर से स्टार्ट करेंगे। शोल्डर जो है 7.5 पे निशान लगाऊँगी, 7.5 आर्म होल की लेंथ 8.5 लूँगी। इस तरह स्ट्रेट लाइन लगा के आपने बॉक्स बना लेना है। 9.5 चेस्ट और ये 11 इंच की मैं दूँगी साइड सिलाई, मतलब शॉर्ट रखूँगी ये ना, मैं स्लिट्स थोड़े लॉन्ग होंगे। 10 इंच हिप दूँगी और यहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। वेस्ट की कोई आपने शेप नहीं देनी, मतलब, और नीचे से दामन जो है वो 11 इंच का, मतलब हिप से 1 इंच बढ़ा लेंगे और स्ट्रेट आपने लाइन लगा लेनी है, ठीक है। इस तरह आपने स्केल की मदद से पहले से ही सारी मेजरमेंट कर लेनी है, और इस तरह डबल मैंने निशान लगा लिए ताकि इजीली यहाँ से कटिंग कर लूँ, क्योंकि मैं ये फिटिंग की शर्ट स्टिच कर रही हूँ, तो ऐसा ना हो बाद में मुझे लूज़ करनी पड़ जाए कुछ भी। एहतियातन मैंने अंदर कपड़ा रख लिया था। इस तरह आपने ये शेप देनी है इसकी, जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ शर्ट की, और मैंने 1 इंच से ज़्यादा ही मैंने बढ़ा लिया था ये फिटिंग की सिलाई ना, आप लोग देख रहे होंगे निशान पे मैंने नहीं काटा, डर के मारे कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सूट ख़राब हो जाए। तो कट आप लगा लीजिएगा साथ साथ, यहाँ भी कट लगा लें, एक साथ ही लगाएंगे तो ईजी रहेगा सारा, वरना बाद में नापना नहीं पड़ेगा बार बार। और इसकी गहराई कटिंग कर लेंगे, हाफ़ से थोड़ी ज़्यादा मैंने ली थी इस शर्ट की जो है ना कटिंग, मतलब हर शर्ट की कटिंग ना डिफरेंट होती है उसके स्टाइल के हिसाब से, ज़रूरी नहीं है कि एक जैसी ही हो सारी कटिंग। हाँ, शोल्डर जो है वो मेरा एक जैसा होता है, और गला जो है ना ये छोटा ही रखूँगी मैं गले के साथ ऊपर, ठीक है। ये आपने सारा अंदर से कटिंग कर लेना है इस तरह, और फिर आपने जिस तरह मैं आपको बताती हूँ पाइपिंग के लिए, पाइपिंग भी नहीं इसको पलटावे के लिए ना अंदर से गला, ये एप्लिक जो हुआ हुआ होता है, रेब में कपड़ा लेना है और इस तरह इजीली सारा लगा लेना है किनारे की सिलाई से, और इसको फोल्ड करके पीछे तुरपाई कर लेना है। उसके बाद ये शोल्डर्स जॉइन करके, ठीक है, पीछे का गला बना लेंगे, और ये गला छोटा है, ठीक है, तो मैंने इसके साइड पर बटन दिया था जी। तो सबसे पहले मेन जो चीज़ है ना शर्ट में, मैं आपको बता दूं, ये बनी बनाई मिल जाती हैं प्रेस बुकरम, जो कि ये 30 रुपये या 40 रुपये गज थी, मतलब एक गज़ के हिसाब से मिलती है, पीसीज होते हैं इसके ना एक एक गज़ के, तो ये मैंने 4 पट्टियां ली थी। तो ये दामन पे मैं लगाऊंगी इसके,
इस तरह सारी आपने दामन पे चिपका लेनी है, दामन पे और आस्तीनों पे। ये है आस्तीन इसकी, ठीक है, दोनों पे मैंने लगा लिया था साथ ही। आस्तीनों की कटिंग मैं बाद में करूँगी। और इस तरह का आपने ना कपड़ा ले लेना है, जितना आपके ये डिज़ाइन होगा ना चौड़ाई में और लंबाई में, उस हिसाब से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और यहाँ सारी सिलाइयाँ लगा लेनी है बिल्कुल इसी शेप में जो है, और फिर इसको बैक साइड पे फोल्ड कर दूँगी। ये देखें, इस तरह मैंने सारी सिलाई लगा ली थी, सारे कट भी लगा लिए थे। इसके किनारे पे अंदर लेके जाना है कट की, शर्ट कटिंग ना कर लीजिएगा आप लोग। इस तरह सारा ना कटिंग करके, मेहनत तो है इसमें लेकिन आपने ख़ुद नहीं पहनना है तो अपने लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। और इसको बैक साइड पे आपने फोल्ड कर देना है इस कपड़े को सारा। ये देखें इस तरह, इतना खूबसूरत ये बना था ना, इतना प्यारा, मेहनत तो बहुत हुई है इसमें ना। ये देखें, ये मैंने सारा ऐसे तैयार कर लिया था। मतलब ये है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, टाइम लगता है। और ये है स्लीव्स, ये मैंने अभी कटिंग नहीं की ना, पूरे पीस पे मैंने ऐसे ही लगा लिए थे। इसकी कटिंग ना मैं करती हूँ अभी बाद में। तो जी अब आ जाते हैं दामन की तरफ। दामन के नीचे जो मुझे लगाना है, ये कपड़ा मैंने लिया था 6 इंच की चौड़ाई ली थी, ठीक है, और लंबाई ली थी और चौड़ाई आपने अपने दामन के हिसाब से देख लेनी है। इस पर सारे आपने ना पिन टेक्स्ट लगाने हैं, 1 इंच से कम, मतलब 1/2 इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम के गैप से आपने पूरे कपड़े पे ना पिन टेक्स्ट लगा लेने हैं इस तरह। जी तो ये मैंने सारी प्लेट्स ऐसे लगा ली थी, ये शर्ट की हैं और ये स्लीव्स की हैं सारी। सबसे पहले हम ये करेंगे, स्लीव्स वाली को आपने 2 कर लेने हैं, मतलब 2 पीस में कर लेना है आपने। तो इसके बाद ये है कि आपने इस तरह लगाना है, ये शर्ट को लगा लेते हैं पहले आपने। यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी आपने, पहले एक ही सिलाई से आपने अटैच करना है, ठीक है। इस तरह आप पिन अप कर लिएगा पूरी शर्ट को और स्लीव्स को भी साथ साथ ही लेके चलिएगा आप। तो साथ ही मैं इसकी स्लीव्स भी ऐसे अटैच कर लूँगी जिस तरह शर्ट का मैंने आपको बताया है। यहाँ से सिलाई करने के बाद आपने यहाँ पे पलटावा रख के इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ मैंने सिलाई लगा ली थी बिल्कुल ऐसे ही लगाने। ये देखें किस तरह कवर किया है इसको, एक ही सिलाई में 2 काम हो गए आपके। इसी तरह ही आप लोग किया करें, सिलाई कम से कम नज़र आए और काम आपके ज़्यादा ज़्यादा हों। ये देखें दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें मैंने ऐसे तैयार कर ली थी। और इसके बाद जो स्लीव्स हैं वो कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ से रखें, यहाँ से रखें, यह लंबाई देखनी है आपने, 4 इंच पर निशान लगाना है यहाँ से कोने से, ठीक है। और फिर 8.5 पर निशान लगा के यहाँ से 1 इंच का आपने इस तरह निशान लगाना है, यहाँ से सीधा रख के फिर ऊपर लेकर आना है इस तरह। पता है क्या, हाथ ऊपर करेंगे ना तो शर्ट नहीं उठती आपकी, इस तरह कटिंग नहीं करनी, ये रॉन्ग है। इस तरह कभी भी मत कटिंग किया करें आप, जैसे मैं बता रही हूँ कटिंग का इस तरह दिया करें आप कटिंग अपनी स्लीव्स की। यहाँ कट लगा के और जितना आपको नीचे से इसका रखना होगा रख लिएगा। मैंने शायद 7.5-8.5 रखा था ऐसे, मतलब फिटिंग नहीं रखी मैंने। एक जो मैंने पिस्ते कलर की जो शर्ट स्टिच की है उसके मैंने स्लीव्स जो हैं फिटिंग में ही रखे थे। तो फिर आप कटिंग कर लें इसको, और इसके थोड़े से मैं लूज़ कर लूँ, इसकी गहराई की कटिंग कर लें। एक हिस्सा हमने कपड़े का ऊपर से उठाना है एक लेयर, और एक लेयर नीचे वाले की उठानी है आस्तीन की। ये 2 आस्तीनें रखी हुई हैं, ठीक है। इस तरह 1/2 इंच पे ऐसे स्ट्रेट निशान लगा के आपने ऐसी कटिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम शर्ट पे, शर्ट का पलटावा लगाना है हमने। शर्ट की शोल्डर और फिटिंग की सिलाई आपने लगाने के बाद इसको शर्ट को अच्छी तरह से देखना है सेट करके आपने। इस तरह आप सेट कर लीजिएगा, नीचे जो आपने कपड़ा लगाया था डिज़ाइनिंग की है जो भी, इसको उठा के ऊपर करके आपने देखना है कहीं बढ़ता बढ़ता कहीं से कपड़ा होगा वहाँ से आपने कटिंग कर लेना है, ठीक है।
यहाँ साइड से बढ़ रहा है तो मैं यहाँ साइड से कटिंग कर लूँगी। इसको मैच करना है आपने पूरा ना इस तरह। तो फिर ना एक्स्ट्रा कपड़ा आपने ले लेना है, ट्राउज़र का बचा हुआ था ये कपड़ा, तो इस तरह की आपने पट्टी उतारनी है, डबल पट्टी करके लगानी है, 3 इंच की आप उतार लीजिएगा, ठीक है। तो इसको बैक साइड पे फोल्ड करना है। मैंने ये पूरे फ्रंट साइड पे, ये शर्ट का फ्रंट है, फ्रंट साइड मैंने पलटावा लगा लिया था चाक दामन, और बैक पे सिर्फ दामन पे लगाया था, क्योंकि चाक पे तो ये लगनी है ना, ये वाली बेल लगानी है मैंने साइडों पे, ठीक है। तो ये ऑर्गेन्जा का जो कपड़ा इन्होंने पैचेस वगैरह दिए हुए हैं, इनको हम 2 हिस्से में डिवाइड करके अच्छी तरह आयरन कर लेंगे, इसके किनारे बिठा लेंगे, ठीक है। मैंने इसके साइड्स फोल्ड कर लिए थे, एक्स्ट्रा कपड़ा ये जो काट के आप रहे, थोड़ा बहुत इसको इस तरह यहाँ सिलाई लगा देनी है। डबल पट्टी मैंने लगाई थी, ये देखें ये डबल है पट्टी, यहाँ से ये कि आपको दोबारा फोल्ड नहीं करनी पड़ेगी, बस ऐसे रख के आप सिलाई लगा दें सिंपल। ये तो हो गया सही है। इसकी बैक साइड पे ना मैं आपको बताती हूँ, यहाँ लगानी है मुझे ये पट्टी बैक साइड पे लगानी है, और मैं आपको ये बताती हूँ इसको कैसे आपने कवर करना है, इस वाली साइड को आपने कैसे कवर करना है। यहाँ मैंने पलटावा नहीं लगाया, ठीक है। इसको कवर करने का मैं तरीका बताती हूँ, ये कैसे लगाना है। बैक साइड को आपने, ये जो अंदर का कपड़ा होगा फिटिंग का, वो आपने राइट पे कर देना है, अगर लेफ्ट पे आपने ये पैच लगाना है। अब ये जो कपड़ा है ना, इसको नीचे की साइड पे आपने फोल्ड नहीं करना, इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। ऊपर की तरफ आपने कैसे फोल्ड करना है, जिस तरह साइड की सिलाई यहाँ ख़त्म हो रही होगी ना आपकी, उसके सीध में आपने कट लगाना है। ये कट लगा के इसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह, और इसके ऊपर ये पैच रख के आपने सिलाई लगा देनी है इस तरह, और पूरी इस तरह आपने लगा लेनी है। सिंपल, बहुत इजी है। आप उल्टी साइड करेंगे ना, बिल्कुल भी ना बुरा नहीं लग रहा, बिल्कुल फिनिशिंग से ये सिला है सूट। तो आपने पट्टियाँ शट्टियाँ जो भी लगानी है इस तरह ही लगाया करें, ये तरीका बहुत बेस्ट है। ये देखें कितनी फिनिशिंग से लगा है, जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया इसी तरह ही आपने अटैच करना है। यहाँ पे सिलाई कर लगा लेंगे और इसी तरह ही दूसरी साइड तैयार कर लेंगे। तो वो मैंने दूसरी साइड भी तैयार करने के बाद, ये पलटावा जो मैंने लगाया था इसको आपने एक सिलाई के साथ इस तरह अटैच कर लेना है। अगर मैं ये सिंगल कपड़ा लगाती तो इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर रही होती, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा फोल्ड हो रहा होता। तो आप लोग पलटावा लगाया करें तो डबल पट्टी करके ही लगाया करें, इस तरह आसानी होती है बहुत ज़्यादा। देखें सिंपल, मैं बस रख रख के सिलाई किए जा रही हूँ। ये है इसका कॉर्नर, आपने इस तरह फोल्ड अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर सिलाई करनी है, ठीक है। तो ये सारी हो गई थी मेरी शर्ट रेडी, तो स्लीव्स भी मैंने लगा लिए थे जिस तरह मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अब आते हैं इसकी फुल लुक की तरफ। ये है वो शर्ट, इतनी मेहनत की है इस पर मैंने, मैंने शायद ही किसी सूट पे इतनी मेहनत नहीं की हो। साइड पे सारे पर्ल्स लगे हुए हैं, जो इसके साथ पैच दिए गए थे वो मैंने पीछे एडजस्ट की हैं इसकी बैक साइड की साइड पे, अंडर आर्म से लेके नीचे बिल्कुल बॉटम तक, ठीक है। और आ जाते हैं इसकी स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स को भी मैंने इस तरह ही डिज़ाइन किया है जिस तरह मैंने शर्ट के बॉटम को डिज़ाइन किया है। ये है इसका डिज़ाइन स्लीव्स का, इतना का खूबसूरत लग रहा है ना, ये देखें। मेहनत तो बहुत हुई है लेकिन पहनना तो आपने ही है ना, तो अपने कपड़ों पर जितनी जान हो सके मार दिया करें, ठीक है। ये देखें ये साइड इसकी लुक है,
दोनों साइड पे लगाया हुआ है, बहुत प्यारा इसके साथ दिया हुआ था पैच इन्होंने ऑर्गेन्जा का। आप चाहें तो अगर आप लोग डिज़ाइनिंग नहीं करनी तो वो नीचे भी लगा सकते हैं, मैंने डिज़ाइनिंग करनी थी तो वो ज़्यादा ओवर हो जाना था तो इसलिए मैंने साइड पे लगाया है, बैक साइड पे। बैक साइड थी इसकी प्लेन, तो फ्रंट पे काफ़ी काम हुआ हुआ था, एम्ब्रॉयड्री हुई हुई थी धागे की, और बैक साइड पर इन्होंने ये पैच दिया हुआ था, ये वाला जो मैंने एप्लिक करवाया था। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। यह है इसका ट्राउज़र, फिटेड ट्राउज़र है आपकी बॉडी से बिल्कुल, ये है कि बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने थोड़ा सा एक एक इंच लूज़ किया है क्योंकि इसको मैंने श्रिंक नहीं किया था, और कैम्ब्रिक जो है श्रिंक कर लिया करें ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और ये है कि यह है इसकी शॉल, शॉल करंडी की है, शॉल और शर्ट इसकी करंडी की है, ट्राउज़र जो है वो कैम्ब्रिक का है। ये इस तरह काम हुआ हुआ है, बहुत प्यारी शॉल है, इसका कंट्रास्ट इन्होंने बहुत प्यारा दिया हुआ है। ये गले के साथ मैंने पूरा अटैच करवाया था, मतलब ऊपर गले के साथ लगे। ठीक है, यहाँ बस स्टिच बटन लगाना है, मुझे टाइम नहीं था, मैंने कहा जल्दी से वीडियो अपलोड करूँ और अपने व्यूअर्स को बता दूँगी कि यहाँ सिर्फ स्टिच बटन लगेगा, यहाँ से इतना खुला छोड़ा हुआ है मैंने, जिस तरह बच्चों के नहीं होता, छोटे बच्चों के यहाँ से खुला हुआ होता है साइड से, गला साथ होता है, तो बस स्टिच बटन आप लोग लगा लिएगा। यह है इसकी बैक साइड, चले अब मैं इसको पहन के दिखाती हूँ कि ये पहना हुआ कैसा लग रहा था। सूट हो गया था रेडी, तो इसकी जो ये साइड पे पर्ल्स लगे हुए हैं और ये जो पट्टी आ रही है बहुत खूबसूरत लग रही है। ये मैंने 3-3 इंच के गैप से ये पर्ल्स लगाए हैं, फुल साइज़ का ये पर्ल है, फुल लॉन्ग, और जो स्लीव्स भी लगी हुई हैं ये हैं स्मॉल साइज़ के, ये देखें, ये स्मॉल साइज़ का पल है, आपने स्मॉल में छोटे लगाने हैं और शर्ट में बड़े पल लगाने हैं, और 4 इसके लंबे हैं। ओहो, एक आप लोगों की शर्ट कैसी लग रही है स्टिच होके? मेरी सारी जितनी भी वीडियोस हैं इनमें से 3 ड्रेस मैं गिव अवे करूँगी, जल्दी से जाके आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और जो नीचे लिखा आ रहा है मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सके, और जल्दी से आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ओके, अल्लाह हाफिज़।